स्टॉक जीनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं शानदार स्टॉक ICICI बैंक के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 13 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जैसे ही स्टॉक ओपन होता है आज के दिन गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिलता है। स्टॉक सपोर्ट बनाता है करीबन देखिए 750 का और एक शानदार तेज़ी उसके बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। अभी देखेंगे तो 765 रुपीज़ की तरफ ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है और डेली चार्ट बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है और शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर यही रफ्तार स्टॉक की रहती है तो नेक्स्ट टारगेट 800 रुपीज़ का अचीव करता हुआ स्टॉक नज़र आ सकता है, तो ऊपर की तरफ 800 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं। बात करें सपोर्ट्स की तो नीचे की तरफ 740 रुपीज़ का एक सपोर्ट ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि गिरावट अगर आती है तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर नज़रें बनाकर चलनी है। बात करें क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए ICICI बैंक में, क्या यहाँ पर बाइंग करें या अभी भी वेट करें। दोस्तों हमारे हिसाब से एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो बाइंग का शानदार मौका यहाँ पर बन चुका है, बिल्कुल बाइंग करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही स्टॉक होल्ड है कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं, तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। आप चाहें तो अपनी खुद के एनालिसिस खुद के रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।